हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि ऑडियो एरे AI04 को विंडोज OS से कैसे कनेक्ट करते हैं, और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि Audacity, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसे हम इसके साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम ऑडियो एरे AI04 के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मिलेंगे 2 TRS और 2 XLR इनपुट्स, और इसके साथ ही एक स्टेरियो आउटपुट और एक 1/4 inch हेडफोन जैक। इसके साथ ही आपको मिलेंगी 2 गेन नॉब्स, जिससे आप अपनी आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके पीछे डेटा ट्रांसफ़र के लिए है USB 3.0, और एक 5 volt का DC इनपुट, जिससे आप इस डिवाइस को पावर ऑन भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलता है एक 48 volts का फैंटम पावर स्विच, जिससे आप कंडेंसर माइक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी फीचर्स को हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप इसे एक ऐसी जगह रखें जिससे आप सामने और पीछे के भाग को आसानी से देख सकें। Step 1, सबसे पहले लेते हैं USB Type-B to Type-A केबल। अब इसके टाइप बी कनेक्टर को आप इंटरफेस के पीछे USB 3.0 में कनेक्ट करेंगे, और इसका जो दूसरा भाग है USB Type-A, उसे आप अपने सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। अब इसमें जो पावर सोर्स का स्विच बटन है, उसे आप USB 3.0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे। पावर ऑन होते ही आपका सिस्टम इसे डिटेक्ट कर लेगा, और अगर ये डिटेक्ट नहीं करता है तो आप अपने सिस्टम के साउंड सेटिंग में जाके खुद इसे बदल सकते हैं। इसमें आपको आउटपुट और इनपुट देखेंगे। इसमें आपको इनपुट में माइक्रोफोन HD USB ऑडियो डिवाइस सिलेक्ट करना है। सिमिलरली आउटपुट में आपको हेडफोन्स HD USB ऑडियो डिवाइस को सिलेक्ट करना है, और अगर यही आपको अपने फोन पर कनेक्ट करना है तो आप Type-A के ऊपर Type-C का अडाप्टर लगा के उसे अपने फोन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपका फोन इंटरफेस से कनेक्ट तो हो चुका है, पर इसके पावर सप्लाई के लिए आपको एक दूसरी कॉर्ड, जो Type-C to Type-A है, उसके Type-C को इंटरफेस से कनेक्ट करना होगा, और उसके Type-A को आप अपने फ़ोन के चार्जिंग अडाप्टर पर कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे इंटरफेस पावर ऑन हो जाएगा। अब आपको पावर सोर्स का जो स्विच है, उसे 5 volt DC की तरफ शिफ्ट कर देना है। जैसे ही आपने Audacity को डाउनलोड और फिर इंस्टॉल किया, आप देखेंगे ऊपर की ओर ऑडियो सेटअप नाम की एक मेन्यू आपको दिखाई देगी। इसमें होस्ट को सिलेक्ट करके आपको विंडोज वसापी को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको प्लेबैक डिवाइस सिलेक्ट करके हेडफोन्स HD USB ऑडियो डिवाइस को सिलेक्ट करना है। अब आपको रिकॉर्डिंग डिवाइस को सिलेक्ट करना है, और उसके अंदर माइक्रोफोन HD USB ऑडियो डिवाइस को सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। आप देखेंगे एड मोनोट्रैक नाम का एक ऑप्शन आएगा, आपको उसे सिलेक्ट करना है, और आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं।